जय हिंद दोस्तों, यूडीसी आरा में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आसाम टी ट्वेंटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का जो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा उस मैच के बारे में। तो ये मैच खेला जाएगा आपके ब्रह्मपुत्र बॉयज बीआरबी और संसारी चैम्स के बीच में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में ही आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार आपको हमारे जो यूज़र्स हैं वो हमारे टीम से कितना विन कर रहे हैं वो एक बार दिखा दीजिए जल्दी से, देख लीजिए। तो चलिए आपको हमारे जो यूज़र्स हैं ना वो हमारे टीम से कितना विन कर रहे हैं वो एक बार आपको दिखाते हैं। चलिए उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वाले सब्सक्राइब के बटन को जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस पर टैप करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर देना। उसके बाद वीडियो को एक लाइक करना है आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको मोर का बटन दिख रहा है ना, ये जगह इस जगह पर आपको टैप करना है और नीचे आना है। ये देखिए सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का दोस्तों, ये वाला लिंक, ये देखिए इस वाले लिंक पर आपको टैप करना है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा आपको ताकि आप हमारे यूज़र्स की तरह ना विन कर पाओ। तो आपको हमारे यूज़र्स की विनिंग दिखाते हैं। चलिए ये देखिए गोडल गेमिंग, सर आपकी टीम से मैंने 70,000 विन किया दोस्तों, 70,000 विन किया इन्होंने, कितना 70,000 दोस्तों। उसके बाद सर मैंने CPL में 2,00,000 विन किया, देखिए कैरेबियन प्रीमियर लीग जो चल रहा है ना उस पर इन्होंने लास्ट मैच में 2,00,000 विन किया दोस्तों। उसके बाद हिमानी गर्ग, सर मज़ा आ गया, इतनी नॉलेजेबल वीडियो आने आज तक नहीं देखी, कल मैंने आपके टीम से 75,000 जीता, 75,000 दोस्तों इन्होंने 75,000 विन किया हमारी टीम से। उसके बाद ये देखिए वाओ अमेजिंग क्या टीम बनाते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। उसके बाद ये देखिए सर मेरी थर्ड रैंक आई 1800 टीम्स में, सर आपके वजह से, सर आपके सारे वीडियोस में बिना स्किप करे देखते हो, तो मैं ही तो बता रहा हूँ ना बिना स्किप करे देखना, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको तभी विन कर पाओगे। हर एक कॉन्टेस्ट विन किया इन्होंने, देखिए हर एक कॉन्टेस्ट विन करे, ग्रैंड लीग में इनकी रैंक थर्ड आई, क्योंकि हमारा वीडियो है ना पूरा वीडियो देखते बिना स्किप करे देखते, इसलिए इन्होंने की इतनी अच्छी रैंक आई दोस्तों। उसके बाद ये देखिए अजय कुमार जी लिखते हैं, सर आपकी टेलीग्राम वाली टीम से मैंने 19,000 जीत दिया, थैंक यू सो मच UDCRA। किस टीम से? टेलीग्राम वाले टीम से। तो इसका मतलब कि आपको हमारी जो फाइनल टीम आती है ना जो प्राइम टीम से ये सारे यूज़र्स जीत रहे हैं ना, इसका हर एक फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो इस वाले लिंक पर आपको टैप करना है और आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है ये देखिए दोस्तों, इस पर ही हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ये देखिए फाइनल टीम। उसके बाद ये देखिए हमारी फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए दोस्तों। तो ये देखिए, तो अगर आपको भी इन सभी यूज़र्स की तरह एक तरफा विन करना है पहले तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वाले जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ठीक इस जगह पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करना है और वीडियो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलिए अभी शुरू करते वीडियो और मैच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मैच की। तो उससे पहले एक बार अगर आपको भी हमारे यूज़र्स की तरह ना एक तरफा हर एक कॉन्टेस्ट क्लीन स्वीप करना है तो पहले तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दूसरा आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको हमारी फाइनल टीम मिलेगी दोस्तों। तो चलते हैं मैच पर, उसके बाद क्रिएट टीम पर जाएंगे और पहले फिल्टर लगाएंगे हम ब्रह्मपुत्र बॉयज़ की टीम के ऊपर।
इनका पिछला मैच एक बार चेक करते हैं, विकेट कीपिंग की बात करते हैं। ऐसे आपको ब्रह्मपुत्र टीम के ओपनिंग करते हुए विकेट कीपिंग से खेलते हुए देखेंगे ई रॉय और ए अग्रवाल। मेरे टीम में ना यहाँ से ई रॉय तो पक्का होंगे, ए अग्रवाल का मुझे कुछ श्योर नहीं, पर देखते इनको शायद मैं ले भी लूँ अपने टीम में। बैटिंग की बात करते हैं, बैटिंग से यहाँ से आपको खेलते हुए देखेंगे अहमद शाह, फिर जे अली, ये तीन आपको खेलते दिखेंगे। सबसे बढ़िया चॉइस यहाँ से बन जाएंगे जी अली, जो हर एक मैच में 47, 47, 61, 30, मतलब हर एक मैच में आपको 40 पॉइंट्स दे ही रहे हैं दोस्तों। आई अहमद को अभी के लिए मैं लूँगा नहीं, आखिरी मैच इनका अच्छा था उसके बेसिस पे तो ले नहीं सकते ना। उसके बाद ऑलराउंडर्स बात आते हैं, यहाँ से आपको खेलते हुए दिखेंगे आर अहमद, और यहाँ से आपको खेलते दिखेंगे जी ढेका, ये दो आपको पक्का खेलते दिखेंगे। यहाँ से आपके लिए जो मस्ट पिक प्लेयर है ना वो है आर अहमद दोस्तों, बाकी कोई थोड़ा इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे और बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग में यहाँ से एक मिनट, इम्पोर्टेंट बन जाएंगे पी शर्मा दोस्तों, नहीं दोस्तों यहाँ से पी शर्मा का जो मैच नहीं है दोस्तों, बी आर बी का है, बी आर बी की टीम से पहले बात करते हैं ना, सॉरी। हाँ यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है दोस्तों आर सिंह, एम दत्ता दोस्तों, ये दो मेरे टीम में पक्का होंगे। एम दत्ता और आर सिंह, यहाँ से आप चाहो तो महाजन को ले सकते हो, पर मैं अभी के लिए इनको लूँगा नहीं। फिर अगर बात करते हैं दूसरी टीम की जो कि आपके सनशिब्रिट चैम्प्स की टीम, यहाँ से आपको घटोत्कर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे अपने टीम की तरफ से, पर अभी के लिए मैं इनको लूँगा नहीं अपनी टीम में, अभी के लिए इनका मैं ड्रॉप करके चलूँगा अपने टीम में। डब्ल्यू रहमान दोस्तों, ये अच्छे प्लेयर हैं, लास्ट के दो मैच में 90+ पॉइंट्स दे के आ रहे हैं, पर अभी के लिए इनको मैं लूँगा नहीं, अगले बैटिंग पे जाऊँगा क्योंकि बैटिंग में मुझे इनसे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से आपका वी रॉय आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएंगे, ये दोस्तों एस मंडल क्या कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से विकेट्स तो ये ले नहीं रहे, बॉलिंग कर रहे हैं क्या, नहीं दोस्तों ये बॉलिंग नहीं करे, जो भी करेंगे आपको बैटिंग से ही करके देंगे। तो यहाँ से वी रॉय तो आ गए, मंडल को अभी नहीं लेते, डायरेक्ट चलते हैं ऑलराउंडर्स पे। यहाँ से आपके लिए सबसे बड़े ऑलराउंडर के कालिटा, ये आपके टीम में होने चाहिए, ए ए कुकर्शी आपके टीम में होने चाहिए दोस्त। उसके बाद बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में यहाँ से एम दत्ता, उसके बाद नहीं दोस्तों एम दत्ता तो ले लिया, पी सिंह दोस्तों, पी सिंह मेरे टीम में आने चाहिए दोस्तों, पी सिंह एज ढेका दोस्तों। तो ये 10 प्लेयर तो आ गए, मुझे अगर 11 प्लेयर लेना पड़े वो यहाँ से डायरेक्टली मैं ले लूँगा एस मंडल को, अकॉर्डिंग टू आर विशाल भी अच्छा करे, ऋतुराज विशाल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, पर हाँ अभी के लिए यही मेरी फाइनल टीम है। आप एक बार टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, बाकी अगर इसमें कुछ चेंज करना पड़े मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैप्टन होंगे मेरे दोस्तों कलिटा, वाइस कैप्टन मेरे होंगे दोस्तों आर अहमद। तो ये बन गई मेरी टीम, आप एक बार टीम का देख लीजिए प्रीव्यू, बाकी अगर चेंजेस की बात करें आप खुद से कुछ चेंज कर सकते हो, पर मैं शायद कुछ चेंज करूँगा नहीं, मैं शायद इसी टीम के साथ जाऊँगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी मिलता है अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।